हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक आप हाई DAP वेबसाइट से बैकलिंक ले सकते हो। नो फॉलो बैकलिंक मिलेगा आपको बेसिकली यहाँ से, और वो भी जो मतलब सोचते भी है लोग कि मेरे को कोई बैकलिंक मिल जाए ऐसी वेबसाइट से, बड़ी वेबलिंक से, चाहे वो किस तरह का भी बैकलिंक हो। ठीक है, तो मैं आपको इस वेबसाइट से आज बैकलिंक ले दूंगा, ये मोज वेबसाइट से, जो कि मतलब SEO में नंबर 1 की वेबसाइट है मोज बैक। इस ये इनका कुछ बहुत सारे टूल्स भी हैं और लोग अपना DAPA वगैरह भी इन्हीं वेबसाइट से आके चेक करते हैं। तो मैं आज आपको इसी वेबसाइट का DAPA चेक करा देता हूँ, कितना DAPA है इस वेबसाइट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी जो इस वेबसाइट का DAPA कितना है। ये रहा moz.com, इसका हम DAPA चेक करते हैं, मेरा 2 एक्सटेंशन है, ये देख रहे हो 90 DA है, 71 PA है। इसका बैकलिंक देख रहे हो, इसके 15 लाख, पता नहीं, 1,51,64,477 बैकलिंक्स है। सपोज लो, अगर आपके यहाँ से अगर एक ट्रैफिक भी आ गया तो बहुत है, ज़्यादा है, बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनके ऊपर लॉग इन होना पड़ेगा। देख रहे हो मेरी मतलब ये मैंने इनकॉग्निटो पे खोला हुआ है, तो मैंने अभी लॉग इन नहीं कर रखा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये भी मेरा लॉग इन नहीं है, फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको बैकलिंक कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा, और आप जितनी मर्जी वेबसाइट इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। राइट, तो मैं अभी जहाँ काम करता हूँ, मैंने उस कंपनी की वेबसाइट को मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, और मैंने अपनी वेबसाइट को भी ऐड कर रखा है यहाँ पे, जिस पे मैं अपना ब्लॉगिंग करता हूँ, SEO करता हूँ नॉर्मली। बाकी मेरी और भी वेबसाइट है, उनको मैंने यहाँ पे ऐड नहीं कर रखा, क्योंकि मुझे आपको अभी दिखाना है, तो बस इसलिए। उनका बैकलिंक का ट्रैफिक ही कहीं और से आता है, तो मैंने भी यहाँ पे ऐड कर रखा है आपको दिखाने के लिए, दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, और आप इसको हटा नहीं सकते हैं, आपने एक बार लगा दिया आपने तो इसको हटा नहीं सकते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके का बैकलिंक है। ये मेरे को नो फॉलो बैकलिंक मिला है, आप अपनी वेबसाइट के कितने सारे पेजेस ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने इनको ओपन किया, नहीं हुआ, हो गया। अभी मैं दिखा देता हूँ, देख रहा हूँ आपको नो फॉलो बैकलिंक मिला है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, मैं ऊपर क्लिक करूँगा सर्कल ऊपर होता जाएगा, नीचे करूँगा सर्कल नीचे जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये मेरा लिंक है, ये मेरा टेक्स्ट है, और मेरे को बैकलिंक मिला हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको बैकलिंक मिल जाएगा, नो फॉलो बैकलिंक है, देख रहे हो। और DAPA मैंने आपको दिखा दिया है 90 और 71, सो बहुत ही बढ़िया वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिलने जा रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। पहले साइन अप करने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा, ये बेसिकली फ़ोन नंबर और मेल दोनों से साइन अप होता है। ठीक है, तो मैं इस पर साइन अप हो रखा हूँ, मेरा यहाँ पे देख रहे हो लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, साइन अप हो रखा हूँ। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जाना है आपके अबाउट सेक्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे कम्युनिटी प्रोफाइल पे, यहाँ पे आपने क्लिक किया, अब आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको कैसे ऐड करना है, आईडेंटिटी और प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ब्रो, और यहाँ पे आप देख रहे हो अपने टाइटल डालो, लिंक डालो, ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, टाइटल डाल रखा है, लिंक डाल रखा है, ऐड हो गया। तो मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ कौन सी वेबसाइट, चलो गूगल पर कोई एक वेबसाइट ले लेता हूँ, StoreDigi, ये एक वेबसाइट है क्या मेरे को ऊपर, एफिलिएट वेबसाइट है, एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है, अमेजोन से पूरा एफिलिएट आता है, इनका रेवेन्यू पता नहीं मुझे कितना है। ठीक है, और वेबसाइट बढ़िया चल रही है, तभी तो इन लोगों ने अभी तक खूब चला रखी है, और बढ़िया से इनका ट्रैफिक वगैरह भी बहुत आता है। तो इनको मेरे को ऐड करना है, तो मेरे को बता देता हूँ आपको चेक करने के लिए, बाद में मैं इसको हटा दूंगा। मैंने इसको ऐड कर दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूंगा, टाइटल वगैरह कुछ भी, जिससे मेरे को पता चल जाए कि हाँ ये किस रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया वेबसाइट का नाम, अमेजोन एफिलेट कैमरे से रिलेटेड है, या फिर मैं इसको हटा के अपना किसी वेबसाइट का नाम भी डाल दिया मैंने, जो भी इनकी वेबसाइट का नाम है वो मैंने डाल दिया। अब मैंने इसको सेव करना है, सेव करूँगा, ये ऊपर हो जाएगा, फिर मेरे को एक और ऑप्शन आ जाएगा कि आप ऐड कर सकते हो, सेव हो गया पूरा का पूरा। ठीक है जी, ये भी मेरे मैंने 4-5 वेबसाइट डाल रखी है, आप इनको हटाओ कैसे, कि आप इनको हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको खाली इनको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, ये हट जाएगा। 5 वेबसाइट की लिमिट से 5 मैंने हटा लगा दिए इसके अंदर, 5 लगा दिए ना, हाँ 5 लगा दिए मैंने इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, अगर आपको चेक करना है ये आपकी आईडी ऊपर, इसको आपने क्लिक करना है कॉपी। अब आपने इसको इनकॉग्निटो में जाके चेक करना है, मैं काट के अपना इनकॉग्निटो ऑन करता हूँ। यहाँ पे मैंने वही URL पेस्ट कर दिया, आपको लाइव दिख जाएगा। कौन सा
अरे यार लोग पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पे भी लॉगिन साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे ये है ना, तो यहाँ से लॉगिन करता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, शायद इसे से नहीं आ रहा। सॉरी 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 दोस्तों, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है देखने का, आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हो। ये रहा प्रोफाइल सेव, जो वैसे आपने सेव कर दिया ना, वहाँ पे आपको ये व्यू का ऑप्शन आता है। जैसे आपने इसको यूआरएल को कॉपी करना है और उसके बाद आप इसको कहीं भी ओपन कर सकते हो। मैं दोबारा से इनको नोटो में गया और मैंने ओपन कर दिया। ये देखो जी, स्टोर डीजी की वेबसाइट जो मैंने अभी डाली थी वो आ गई है यहाँ पे बढ़िया तरीके से। अब मैं इसे क्लिक करूँगा, मैं वेबसाइट पर पहुँच जाऊँगा स्टोर डीजी के। देख रहा जी, वेबसाइट में इनकी पहुंच गया। मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि ये मेरे किसी काम की वेबसाइट नहीं है, ये बेसिकली मेरे जगह को कवर करेगा। तो मैं किसी और वेबसाइट को यहाँ पर लाके डाल दूंगा जो मेरी वेबसाइट होगी, और बढ़िया तरीके से बढ़िया से बैकलिंक यहाँ पर ट्रैफिक आएगा। और ये बेसिकली कैसे ऐड कर सकते हो, क्या ज़रूरत पड़ती है इसको ऐड करने के लिए, इससे आपको ट्रैफिक कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले ना इसका यहाँ पे इनका वो है क्यू एन ए है, क्वेश्चन आंसर का सबमिशन की वेबसाइट है ये क्यू एन ए। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दोगे सबमिट करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। अगर आपने किसी क्वेश्चन के उसके आंसर मिलेंगे राइट, तो सपोर्ट वगैरह हेल्प वगैरह किसी को होती है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ एक बार। आपने क्वेश्चन डाल दिया, एससीए लिख दिया, सर्च कर दिया। देख रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं इनकी प्रोफाइल, ये जो एशिया प्रिंट है, एशियन है, ये सारे बंदे हैं इनकी वेबसाइट पे। इनको जाकर मैं देख सकता हूँ कि इनकी कौन कौन सी वेबसाइट है। इनकी इनको ऊपर क्लिक करना है, इनकी प्रोफाइल मुझे दिखेगी और मैं इनकी प्रोफाइल पे विजिट कर सकता हूँ। अगर इन लोगों ने ऐड किया होता है, इन लोगों ने कोई ऐड नहीं कर रखा, बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं बट लेकिन इनको पता नहीं होता कि हमको बैकलिंक कैसे मिलेगा मोज से। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑफर है आप सभी के लिए, और आप लोग भी जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हो जैसे कि मेरे को मिला है। आप सब भी जाके ले सकते हो। अभी तक इसके ऊपर वीडियो कोई बनी हुई नहीं है यूट्यूब पे, तो मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। कोई डाउट हो या कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो डिजिटल मार्केटिंग है वर्डप्रेस से, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कर देना, मैं उसके ऊपर आपका रिप्लाई जरूर कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड बाय, गुड नाइट।